इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विचार हुआ राजा लोग जो जो उत्सव में आए थे सबका सम्मान यथा योग्य जहां, अब आचार्य लोग विराजे तो मुहूर्त निकाला गया। कब? मार्गशीर्ष अगहन महीना शुक्ल पक्ष मंगलवार दिन पंचमी तिथि, ये अवधि का विवाह गीत है। इस पर मित्रों ने चौपाइयों को उतारा है, आइए सुनिए विवाह गीत। Mm-hmm.
सकल सुमंगल मो देव प्रण कहे विदेह ज्ञान सगुण धेन धूर माने गोधूली बेला। ये गोधूली बेला क्या है? ये मिलन बेला है। गौ माताएं वन से चरकर अपने निज निवास की ओर आती हैं, उनके चरण से धूल उड़ती है, उस बेला का नाम है गोधूली बेला। जो लोग समझदार होते हैं वो 5 से 7 के बैंड को कहते हैं, ए हमारा बैंड पहला रहेगा। पहला वाला बैंड थोड़ा महंगा मिलता है और जो उनसे भी ज्यादा समझदार होते तो कहते हैं 12 बजे बजा जाना, काहे जो दे देंगे रख लेगा। सारा बचत बजबे में करना है का? दो गलती न करें, उत्सव में दरिद्रता का दर्शन न कराएं, ये उत्साह भंग हो जाए। ठीक है ठीक है। अरे भाई फूल नहीं आया, कहा तो था लगता है माली भूल गया, कहा ही नहीं खुदे भूल गए, ये क्या होता है? अब 5 मिनट इसी पर गदर मचेगा, फूल नहीं आया, सजा नहीं, सजा, मैंने तो कहा था, कहा नहीं, अरे उसको कहां बता दिया तुमने। लो कार्य उसी को सौंपिए जो कहने के पहले संपन्न करने की बुद्धि रखता। टालू आदमी को आप भी टालो, चलो वरना आप आनंद महोत्सव हो एकदम किरकिरा कर देंगे। कई लोग इससे भी समझदार हैं, हम तो दिन में बारात निकालेंगे, दिन में बारात असुर की निकलती है, काहे 25,000 लाइट का खर्चा बचेगा। कितना स्तर पर सोचते हैं हम, है? न खाया जाएगा तो पूरा बच जाएगा। हाँ खाइबे न करो, ये 5 तत्वों का बना शरीर है मित्रों माताओं, कोई खाए बिना मरा नहीं है। आदमी खाने से अधिक तब बीमार पड़ता है, उपवास करो। आप अहमदाबाद में जानी गुरु हैं, कहते हैं 10 साल हो गया उन्होंने कुछ नहीं खाया, मेडिकल साइंस फेल हो गया है, जांच पर जांच कर रहे हैं, पता नहीं चलता है कि बाबा कैसे जिंदा है। लेकिन मीडिया को कहां फुर्सत है, जब कभी समय आता है तो बता देते हैं एक महात्मा ऐसा भी भारत में। मीडिया तो ये पता लगाती है कौन महात्मा ज्यादा गड़बड़ दिख रहा है, उसी को निपटा देता है। और सब महात्मा गड़बड़ सनातन धर्म में दिखते हैं, इसके अलग अलग कोई दिखते ही नहीं है। कैसे कैसे लोग भगवान ने बनाए। एक महात्मा ऐसा 10 साल हो गया पानी तक नहीं लिया हो, क्या कहेंगे आप? हमारे में ही सरकार हो, बिहार में एक महात्मा हुए अद्भुत तपस्वी, आप कुंभ में पधारेंगे, आज भी एक से एक तपस्वी महात्मा आते हैं, आपको देख के लगेगा ये खाते नहीं तो रहते कैसे। आना तो टहलना, पैदल टहलना, पुल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पैदल टहलना। गाड़ी से आने पर सतपुरुषों के दर्शन नहीं होते, गाड़ी खड़ी रखो पैदल टहलो, कुटिया कुटिया देखो कैसी कैसी भगवान की भागवतों की रचना बैठी। बिना मुहूर्त के कोई कार्य परिवार में न करो, मुहूर्त विचार अवश्य करिए। मुहूर्त का अर्थ है आचार्य का सम्मान करिए, पूजा करिए और विधि पूछ करके ही व्यवहार करिए। मनमुखी करोगे परिणाम बिगड़ेगा, मनमुखी कदापि ना करो, जो मन में आया कर लिया। ओ साधिए साधिए थोड़ा, देखिए मंगल मूल, मंगल की जड़ कैसा, मंगल दीन, मंगल क्या दीन,
मंगलवार दिन शुक्ल पक्ष अगहन माह शीर्षों में मासा नाम मार्ग शीर्षो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ मास अगहन। कितना मधुर मास है पंचमी तिथि गोधूली वेला में बारात द्वाराचार के लिए आएगी। ब्राह्मण देवताओं ने विदेहराज को सुनाया, तैयारी होने लगी, रचना बनाई जाने लगी। सगा लोग सरकार को जैसे जैसे होता है श्रीमंतों के यहाँ कौन सजाएगा वो सब साज लेकर के महाराज पधारे थे और मेरे सरकार दूल्हा स्वरूप में सजाए जाने लगे। बलाहक पर चढ़ करके प्रभु जब द्वाराचार के लिए चले हो दूल्हे सरकार की मधुर श्रृंगार की सरकार बलाहक पर आरूढ़ होकर चले हो दूल्हा बन के सज धज के। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा तो शिव जी से प्रश्न किया, बाबा इस उत्सव में मेरी करनी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, हृदय विचारहु धीर धरि इसी रघुवीर बिया। हे बाबा चतुरानंद, हृदय में धैर्य धारण करिए, ये जीव का उत्सव नहीं है, इस जगत के माता पिता श्री सीताराम जी का मंगल महोत्सव है, विवाह महोत्सव है। जानते हैं क्या कहा भगवान ब्रह्मा से बाबा ने, पितामह माता पिता के ब्याह में बच्चों की फोटो नहीं दिखती है, वो ब्याह के बाद दिखती है। चुप्पाई चलो भजन का प्रताप दर्शन करिए। भगवान ब्रह्मा के चार गर्दन चार दुना आठ, आठ नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। कार्तिकेय स्वामी के छह मुख छह दुना बारह नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ पंचानन है ना, एक आनंद चतुरानंद पंचानन राज, पांच तिहाई पंद्रह नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के मंगल महोत्सव में जिसको जितना आनंद होता है उसको उतना दिव्य दर्शन प्राप्त होगा, जितना आनंद वर्धन होगा। एक ही स्थिति परिस्थिति जैसी हमारी मनस्थिति होती है उसका लाभ सुख आनंद रस उतना हमको प्राप्त होता है। उत्सव में अन्वेषक नहीं बनना चाहिए। अब जब प्रेम का प्रवाह चल रहा हो तो उपदेशक नहीं बनना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।